इंदौर नगर निगम नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करता नजर आ रहा है। दरअसल नगर निगम के द्वारा कचरा वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया था। बता दें, इस सिस्टम के जरिए हर कचरा वाहन पर नजर रखी जाती है और कोई भी गड़बड़ पाया जाने पर तत्काल गाड़ी के चालक से संपर्क किया जा सकता है। नगर निगम ने अपने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ियों पर भी सैटेलाइट से नजर रखी है। ये व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चलाई जाती है कि निगम के वर्कशॉप में बनी स्क्रीन पर किसी भी गाड़ी की लोकेशन कभी भी देखी जा सकती है। निगम का डोर टू डोर कचरा कलेक्शन अभियान पूरी तरह से सफल साबित हो रहा है, जिसके बाद अलग अलग शहरों से इंदौर की सफाई व्यवस्था देखने आए दलों ने भी नगर निगम की इस व्यवस्था की तारीफ की है। सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, रूट्स डिफाइंड है सबके, और अलग अलग स्क्रीन हमें वीडियो वॉल्स बनाई हुई कंट्रोल रूम में, उसमें एक इंजीनियर डेडिकेटली लगाया हुआ है हम लोगों ने। उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी गाड़ी कब निकली सुबह, लेट तो नहीं हो गई निकलने में, लेट हो गई तो उसको इमीडिएटली हम लोग कॉल करते हैं। फिर कहीं एक जगह पे बहुत देर तक तो नहीं खड़ी हो गई, जब उसको रुक रुक के डोर टू डोर कलेक्शन करना है या कहीं जाना है, बहुत देर तक तो नहीं खड़ी एक जगह पे, वो हम लोग चेक करते हैं। फिर स्पीड वॉलेशन तो नहीं कर रहे हैं, अब तो क्या 40 की लिमिट हम लोगों ने कर दी है तो स्पीड वॉलेशन नहीं होंगे, पहले स्पीड वॉलेशन भी हम लोग चेक करते थे। इस प्रकार से सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम के माध्यम से रहता है, ड्राइवर को लगता है कि जीपीएस जो लगा हुआ है तो उसकी कंट्रोलिंग पूरी होती रहेगी उसकी।